नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। सलमान खान का शो बिग बॉस 17 हर दिन के साथ रोमांचक और दिलचस्प होता जा रहा है। सभी कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर के अंदर बंद हैं। इस सीजन अंकिता और विक्की पर दर्शकों की ज्यादा नजर है। आए दिन कपल में लड़ाइयां होती रहती हैं। उन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों अपने पति विक्की जैन संग टीवी के फेमस शो बिग बॉस सीजन 17 में नजर आ रही हैं। पिछले एक महीने से ये कपल शो में नजर आ रहा है। इस दौरान शो में एक्ट्रेस के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। जहां वो विक्की को लेकर चर्चा में हैं, तो दूसरी तरफ शो में उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बात की थी। अब उन्होंने बताया कि वो सुशांत के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गई। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की फेयर लव स्टोरी थी। दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया था और साल 2016 में अलग हो गए। एकता कपूर के सीरियल पवित्र रिश्ता में दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। सीरियल में सुशांत सिंह ने मानव का किरदार निभाया, अंकिता ने अर्चना का किरदार निभाया था। दोनों सेट पर मिले और उनकी दोस्ती हो गई। उसके बाद दोनों के बीच प्यार हो गया। अब बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी से बात करते हुए अंकिता बताया कि वो सुशांत के अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं हुई थी। दरअसल मुनव्वर फारूकी अंकिता के साथ बैठे थे और हमेशा की तरह वह अपनी शायरी सुनाने लगे। बस फिर क्या था, मुनव्वर की शायरी सुनने के बाद अंकिता फेमस गाना कौन तुझे यूं प्यार करेगा गाने लगी। इस पर मुनव्वर बोलते हैं कि मैंने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी थी और वो भी सुशांत के साथ। दोनों की बातें यही नहीं खत्म होती। आगे एक्टर ने कहा कि किसी ने भी मुझ पर इस तरह से विश्वास नहीं किया जैसे उसने किया था। ये मेरा पहला अनुभव था किसी को ऐसे खोने का। ये मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था। मैं तो उसके अंतिम संस्कार पर भी नहीं गई थी क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी। मुझे विक्की ने भी बोला था कि तू जा, पर मैं नहीं गई। मैं ये सब कैसे देख सकती हूँ। विक्की का भी दोस्त था सुशांत, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सोच कर बहुत बुरा लगता है। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के उन यंग और टैलेंटेड एक्टर्स में से थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत की मौत को 14 जून 2023 को 3 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके परिवार और चाहने वाले को इंसाफ नहीं मिला। एक्टर ने सुसाइड किया था या उनकी हत्या हुई, अभी तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस ने सुशांत के निधन को आत्महत्या करार कर दिया था, लेकिन गहन जांच भारी मांग के चलते इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था। वहीं 3 साल बाद कहां तक पहुंची है सीबीआई जांच, कब सामने आएगा सुशांत की मौत का सच, ऐसे कई सवालों के जवाब का फैंस को इंतजार है और एक्टर के परिवार को भी। टेलीविजन से बॉलीवुड तक अपना छोटा सा सफर तय करने वाले सुशांत ने बेहद ही कम उम्र में ही सुपरस्टार वाला स्टारडम हासिल कर लिया था। अचानक देश को उस समय झटका लगा जब 14 जून 2020 को उनकी मौत की खबर सामने आती है। 3 साल पहले सुशांत अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक लोगों को शॉक्ड कर दिया था। 2020 में सुशांत की मौत को लेकर बिहार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन अब तक ना तो चार्जशीट दाखिल की है और ना ही मामले को बंद किया गया है। वहीं सीबीआई ने इस मामले के अपडेट को लेकर चुप्पी साध ली है। 3 साल पीछे जाए तो सुशांत की मौत के तुरंत बाद बांद्रा पुलिस ने एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बनाई और कई फिल्मी सितारों, मेकर्स और दोस्तों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्टर के सुसाइड की ओर इशारा कर रही। इसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने अक्टूबर 2020 में एक्टर के विसरा और ऑप्टसी रिपोर्ट की जांच की, लेकिन किसी तरह का कुछ संदिग्ध नहीं मिला। डॉक्टरों के पैनल ने सीबीआई को बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभिनेता की मौत आत्महत्या से हुई है, उनकी हत्या नहीं की गई थी। इस बीच इस दौरान सीबीआई पर भी काफी दबाव था, जिसे लेकर मीडिया में भी तरह तरह की खबरें सामने आने लगी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले ही 8 जून 2020 को उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सलनी की भी मौत कथित तौर पर सुसाइड करने से हुई थी।
14 जून को सुशांत की मौत के बाद दोनों केस को जोड़कर देखा जाने लगा। ऐसे आरोप थे कि सुशांत और दिशा की हत्या की गई थी। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन दोनों घटना के बीच उन्हें कोई साजिश या लिंक नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर भी कई गंभीर आरोप लगे। सुशांत के पिता के बयान पर बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के सदस्यों और सुशांत के आवास पर काम करने वाले सर्वेंट्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। आखिरकार सीबीआई ने हत्या के मामले को अपने हाथ में और रिया चक्रवर्ती को लोगों के कई बयान दर्ज किए। एम्स की रिपोर्ट के बाद से सीबीआई इस केस में कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के फोन से मिले चैट के आधार पर एक्ट्रेस और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज किया। कई रातें दोनों को जेल में बितानी पड़ी थी। गौरतलब है कि साल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में उस समय आया जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने याचिका में सीबीआई को राजपूत मामले में उनकी जांच की स्थिति प्रदान करने के लिए कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार नहीं किया और आवेदक को जनहित याचिका में अपनी प्रार्थनाओं के संबंध में उच्च न्यायालय जाने को कहा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलती हूं नई खबर के साथ। नमस्कार।